नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं लेके आया हूं आपके लिए कमाल का टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारे आने वाले सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब होने के बाद बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे अगली आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा गूगल इनपुट हिंदी टूल के बारे में। गूगल इनपुट हिंदी टूल, जैसे मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से हिंदी टाइपिंग करना नहीं जानते हैं या हिंदी टाइपिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये टूल आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। गूगल इनपुट हिंदी टूल मिलेगा कैसे? बहुत ही आसान है। आप गूगल पर जाइए और यहाँ पर लिखिए गूगल इनपुट हिंदी टूल्स। यहाँ पर आप पहले वाले पर ही क्लिक कर दें और यहाँ पर देख सकते हैं गूगल इनपुट हिंदी टूल डाउनलोड होने के लिए आ गया है। आप यहाँ से इस डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसे स्किप करता हूँ। डाउनलोड होने के बाद ये दो फाइलें मिलेंगी आपको, गूगल इनपुट हिंदी और गूगल इनपुट टूल। तो सबसे पहले गूगल इनपुट टूल्स को इंस्टॉल करेंगे। छोटा सॉफ्टवेयर होता है, तुरंत इंस्टॉल हो जाता है। फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद गूगल इनपुट हिंदी इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद टास्क बार में आप यहाँ पर देख सकते हैं ईएन नाम से एक छोटा सा बॉक्स आ गया है। आप यहां से ईएन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ईएन से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, जो आपके सिस्टम का लैंग्वेज है, उसके नीचे है HI यानी हिंदी इंडिया। आप इस पर अगर हिंदी पर क्लिक करेंगे तो ये HI में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब आपका सिस्टम हिंदी में टाइप करेगा। और यहीं से दोबारा अगर आप इसे ईएन पे कर देंगे इंग्लिश पर, तो ये यहाँ पर ईएन लिखा हुआ आएगा, यानी कि ये सिस्टम आपका इंग्लिश में टाइप करेगा। अब आप कहीं पर भी टाइप कर सकते हैं हिंदी बहुत ही आसान तरीके से। ऑनलाइन करना है ऑनलाइन कीजिए, या किसी सॉफ्टवेयर में करना है, जैसे वर्ड में अगर हम करके दिखाते हैं ऐसे होगा, इंग्लिश से हिंदी कर लीजिए। और अब आप यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं मेरा नाम साई है, तो MERA मेरा स्पेस देंगे तो सीधा मेरा लिखा हुआ आ जाएगा। नाम, अब यहाँ नेम की स्पेलिंग नहीं लिखना है, बिल्कुल मैसेज की तरह टाइप करना है। आप जैसे मोबाइल में मैसेज टाइप करते हैं उसी प्रकार से नाम NAM नाम SAI साई HAI है। आप देख सकते हैं कितना आसानी से हिंदी टाइप हो रहा है। आगे लिख सकते हैं मैं साई कंप्यूटर में पढ़ता हूँ। इस तरीके से आप बहुत आसानी से हिंदी टाइप कर सकते हैं। अगर उसी में कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में लिखना पड़ रहा है तो आपको दोबारा यहाँ से जा करके इंग्लिश करना होगा, लेकिन बार बार माउस से जा करके इंग्लिश और हिंदी करना ये थोड़ा सा आपके टाइपिंग के स्पीड को स्लो करेगा। तो इसके लिए आप इस यहाँ से इसका शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट। जैसे ही दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश हो गया है, और यहाँ से आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। फिर दोबारा अगर आपको हिंदी में करना है कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे, फिर दोबारा से देखेंगे आप, आपकी कीबोर्ड हिंदी हो गई। सर टेक्निकल लिखना है तो टेक्निकल पे आ रहा है, आप नीचे वाले पर अगर सही समझते तो नीचे वाले पर डाउन एरो से आकर के आप इसको स्पेस दबाएंगे और वही ले लेगा। इस तरीके से बहुत आसानी से आप टाइप कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो दोस्तों, इसी प्रकार एक से एक एक्साइटिंग वीडियो लाता रहूंगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस दो वीडियो को जरूर देखें। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।